Everyone is coming out of the IPL, and almost everyone who's in the team had a good IPL. So everyone knows what needs to be done in the tomorrow match and the things we can improve on. So yes, there wasn't a big discussion because as anyone can have off day, and as a bowling unit we had off day, but that's okay. अगर और bowlers नहीं है तो मेरा जो target पहले रहता था, जो focus पहले रहता था, उसको कोई different नहीं है अभी. जो मेरी job है power play में bowling करनी होती है वो, और या बाद में जो bowling करनी होती है वही मेरा role है और वही अभी भी focus है. But हाँ, जैसे अभी और सीनियर बॉलर्स नहीं है या नए बॉलर्स है, तो कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की. जो लास्ट मैच था तो बिल्कुल हमारी कोशिश थी डिफेंड करने की, क्योंकि हम टारगेट डिफेंड कर रहे थे. बट कभी कभी होता है कि आप वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. जनरली अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो डिफेंसिव माइंडसेट ही रहता है कि हम जितने रन रोक सकें. उस डिफेंसिव माइंडसेट में अगर विकेट मिलता है तो ऑफकोर्स अच्छा रहता है, नेक्स्ट बैट्समैन को डालना ईजी होता है. बट जनरली बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट रहता है अगर आप टारगेट डिफेंड कर रहे हैं तो. और छोटी बाउंड्री है तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, बट पहली बार नहीं हुआ कि छोटी बाउंड्री आईपीएल में ऐसा है या जनरली यहाँ खेलते हैं वो है, तो सबको पता है कि बाउंड्री छोटी है, बट वो एक चैलेंज है.